सागर में दलित युवक को जिंदा जलाए जाने पर पूर्व सीएम शिवराज सागर में आंदोलन करेंगे। वहीं इसी मामले में कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग भी आमने सामने हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, ये दो परिवारों की एक बच्चों के विवाद के मामले में झगड़ा हुआ, उसमें एक इस तरह की अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है और पूरा शोक हम लोग जताते हैं। मैं और हमारे मंत्री हर्ष यादव जी उनको देखने भी गए थे, पूरे हमीदिया अस्पताल में पूरे डॉक्टर्स से उसमें चर्चा हुई, पूरी कोशिश की उनको बचाने के लिए, उनको दिल्ली भी भेजा गया। पर ये एक मैं समझता हूँ कि विपक्ष को कम से कम किसी गरीब की मौत पे तो राजनीति नहीं करना चाहिए। एक दलित को जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्रदेश के हालात खराब हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार का इकबाल कायम था, एक साल में सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया। और उसका कारण केवल और केवल यह है, जब TI से लेकर और IG तक पोस्टिंग पैसे लेकर होगी, जब तबादले में पैसा लगेगा, जब प्राइम पोस्टिंग के लिए उन्हें कांग्रेस के गुर्गों को और कांग्रेस के दलालों को पकड़ना पड़ेगा, तो फिर कानून व्यवस्था की हम कहां से अपेक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक दलित को जिंदा जलाया गया, इससे शर्मनाक देश में और कुछ नहीं हो सकता।